नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नई चीज़ें जो है ना वो चर्चा का विषय बनी हुई है और वो चर्चा का विषय पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला को लेकर है। इस मामले में अब जो है मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँचता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो बबीता मिश्रा है देशसेवा न्यूज, जो लगातार ज्योति सिंह के बारे में चर्चाएँ कर रही हैं और पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें हो रही हैं, अब उस मामले को लेकर जो है पवन सिंह के टीम के सदस्यों के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। और एफआईआर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जो उसमें कहा जा रहा है कि भाई बबीता मिश्रा पर जो आरोप लगाया गया है उसमें, वो ये है कि वो जो है किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं पवन सिंह को, और किसी को मरने के लिए जो है वो उकसा रहे हैं। तो इस तरीके का कहा जा रहा है कि नॉन अवेलेबल ये जो मामला है, एफआईआर है वो है। हालांकि बबीता मिश्रा ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं कि पवन सिंह की टीम के द्वारा धमकी दिया गया है, सर पे कट्टा भिड़ाया गया और कहा कि इस मामले को आप छोड़ दीजिए। खैर, जो भी है, इस मामले में क्या होगा इसमें तो हम बने रहेंगे, जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई जो मामला ये पूरा उठा है ना, उसमें एक और नया सस्पेंस जो आया था वो ये था कि ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग। अब ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था उसमें बखूबी ज्योति सिंह ही कह रही है कि पवन सिंह मेरे को आए ले जाएं, मैं चलूंगी, तैयार हूं ले जाने के लिए, लेकिन पवन सिंह मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो आप एक पत्नी के तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भैया, अगर महिलाएं जो होती है अपने पति को फोन करती हैं एंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग हिज कॉल हर मैसेज, तो भाई एक कहीं ना कहीं चीजें होती है और वो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ झलकती नजर आ रही। वो ये भी कह रही है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने पवन सिंह के लिए साबित करने के लिए कि मैं उनकी पत्नी हूं और मैंने इस चिलचिलाती धूप में उनको जिताने के लिए प्रचार किया, मुझे तबीयत भी खराब हुई मेरी और मैंने वोमिटिंग वगैरह भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने साबित करना चाहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जिस तरीके से ये जानकारी आ रही है सच में चौंकाने वाली है। इस कड़ी में ज्योति सिंह जो हैं एक पोस्ट, दो पोस्ट डाली हैं, एक तो लगाई हैं आपके मतलब इंस्टाग्राम पे और एक स्टोरी में लगाई हैं, जो अपने आप में कई सारी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले मैं आपको ना पोस्ट दिखा देता हूँ पढ़ के। पहला जो पोस्ट है वो पहाड़ के गुमनामियों में वो देखती नजर आ रही हैं, कई सारी तस्वीरें हैं और उस तस्वीर को पोस्ट करके लिखती हैं कि एवरीवन इज ट्रबल, यानी कि सब कुछ जो है ना एकदम मतलब ट्रबल मतलब की मतलब खत्म बर्बाद टाइप का है। सम विथ ट्रुथ, कुछ जो है सही है, सम इन रियलिटी, और कुछ सच में है। तो इस तरीके का मतलब इनका है कि भाई सच में ट्रबल में है मतलब ज्योति सिंह, और इस तरीके का पोस्ट लिखना कि कुछ सम कुछ सच्चाई है और कुछ रियलिटी है। तो अब जो है ये निशाना किसके तरफ है, क्यों ट्रबल में है, क्यों क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक चौंकाने वाली बात है। और इस तरीके का पोस्ट आना इन सारे कंट्रोवर्सी के बीच में जो है ना वो एक अलग जो है नया संदेश दे जाता है, एक नया जानकारी दे जाता है कि सच में कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के लाइफ में ऑल इज नॉट वेल की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने एक स्टोरी भी लगाया है, लिखा है कि समाज को स्त्री सहती हुई अच्छी लगती है, कहती हुई नहीं। इनका यह कहना है कि स्त्री जो है सहले, मतलब कोई भी उनको कुछ भी करे वो सहले, वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर कुछ कह दे तो वो अच्छा नहीं लगता है। और ये निशाना किसके तरफ है, क्योंकि ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, ज्योति सिंह अपनी बातों को लगातार प्रमुखता के साथ जो है रखती नजर आती हैं। तो क्या ज्योति सिंह को रियलाइज हो गया है कि अगर आप शांत रहें तो एक अच्छी स्त्री हैं, लेकिन अगर आप कुछ कह दें तो वो अच्छी नहीं लगती है इस संसार में, समाज में। बाकी ज्योति सिंह का ये पोस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सच में इस मामले को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर अपनी राय बताइएगा।